CBSE कक्षा X छात्रों के लिए अंग्रेजी संचार को रद्द। कक्षा 11 के लिए पाठ्यक्रम में भी बड़ा बदलाव। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE अपने पाठ्यक्रम को बदलकर यह सुनिश्चित करने के लिए बदल सकता है कि शिक्षा और सीखना किसी अन्य चीज के मुकाबले ज्यादा रोजगार आधारित है। 9 मार्च 2018 के एक पत्र में CBSE ने कक्षा 9 छात्रों के लिए 2 अन्य ऐच्छिक और कक्षा 11 छात्रों के लिए 3 को बंद कर दिया है। बोर्ड ने कथित तौर पर अनुस्मारक भेजे हैं कि CBSE संबद्ध स्कूलों में कक्षा 9 में प्रवेश करने वाले छात्रों द्वारा पहले अंग्रेजी संचार जो चुना जा सकता है, शैक्षणिक सत्र 2018-19 सेकंड बंद हो जाएगा। बोर्ड ने अपनी वेबसाइट cbseacademic.nic.in पर परिपत्र पोस्ट किया है। द फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार बोर्ड ने कई अन्य पाठ्यक्रम छोड़े और नए विषयों को पेश किया। बोर्ड 9 छात्रों और कक्षा 11 छात्रों के लिए 3 के लिए 2 अन्य ऐच्छिक बंद कर दिया है। यहां सभी विषयों पर एक त्वरित नजर है जो CBSE को बंद करने की योजना बना रही है। कक्षा 9 छात्रों के लिए विषय बंद 1 अंग्रेजी संचार कोड 101 2 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कोड 166 3 ई प्रकाशन और ई कार्यालय कोड 354 और 454 कक्षा 11 छात्रों के लिए विषय बंद 1 नृत्य मोहिनीअट्टम कोड 062 2 मल्टीमीडिया और वेब प्रौद्योगिकी कोड 067 3 अंग्रेजी इलेक्टिव CBSE कोड 101 CBSE के परिपत्र के अनुसार बोर्ड ने स्कूलों से कहा है कि 2018-19 के आगामी सत्र से 9 और 11 के लिए कक्षाएं में कुछ विषयों की पेशकश न करें, लेकिन वर्तमान में कक्षा 9 और 11 में इन विषयों का अध्ययन करते हुए कक्षा 10 और 102018-19 सत्र में 12 रिपोर्टों में आगे कहा गया है कि इस साल के बाद शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा निर्धारित संस्कृत संवादात्मक कोड 122 का नाम बदलकर संस्कृत कोड 122 कर दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी की फाउंडेशन कोड 165 का भी नाम बदलकर कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड 165 कर दिया गया है। इस साल से जिन विषयों को बंद कर दिया गया है उनके अलावा 3 शैक्षिकीय ऐच्छिक समान व्यावसायिक ऐच्छिक के साथ विलय कर दिए गए हैं और कक्षा 11 में सत्र 2018-19 सेकंड व्यावसायिक ऐच्छिक के रूप में पेश किए जाएंगे। ये विषय हैं 1 कृषि कोड 068 2 फैशन स्टडीज कोड 053 3 मास मीडिया अध्ययन कोड 072 इस साल से NCERT द्वारा निर्धारित संस्कृत कम्युनिकेटिव कोड 122 का नाम बदलकर संस्कृत कोड 122 कर दिया गया है और सूचना प्रौद्योगिकी के आधार कोड 165 को कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड में बदल दिया गया है। 165 CBSE बोर्ड की परीक्षा भारत भर में कक्षाएं 10 और 12 के लिए चल रही है। इन परीक्षाओं में 28 लाख से अधिक उम्मीदवार उपस्थित हैं। कक्षा 10 परीक्षा में 16 लाख से अधिक उम्मीदवार पंजीकृत हुए हैं, जबकि 11 लाख से अधिक कक्षाएं 12वीं के लिए पंजीकृत हैं। सरकार ने व्यापक और निरंतर मूल्यांकन CC को अपनाए जाने का फैसला करने के बाद कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा इस वर्ष से फिर से शुरू की गई है। परीक्षा भारत भर में 4,453 केंद्रों पर और भारत के बाहर 78 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इसी तरह कक्षा 12 के लिए परीक्षा भारत में 4,138 केंद्रों पर और विदेशों में 71 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। मधुमेह से पीड़ित उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों के अंदर खाने वालों को ले जाने की अनुमति दी गई है। इस वर्ष से CBSE भी उम्मीदवारों को विशेष जरूरतों को लैपटॉप की मदद से अपनी परीक्षा लिखने की
अनुमति दे रही है, लेकिन उनके डिवाइस को परीक्षा केंद्र में कंप्यूटर शिक्षक द्वारा निरीक्षण करना होगा और इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। CBSE के परिपत्र में सरकार ने कहा है कि आने वाले 2 से 3 सालों में NCERT पाठ्य पुस्तकों के पाठ्यक्रम को कम करने की योजना है। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का विचार मंत्रालय द्वारा आयोजित 6 कार्यशालाओं के साथ साथ राज्य शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठकों के दौरान भी प्रमुख था। उन्होंने कहा, बड़ी संख्या में गैर सरकारी संगठनों, शिक्षा विशेषज्ञ, राज्य सरकार के अधिकारी और कई शिक्षकों ने इन मीटिंग में भाग लिया। जावड़ेकर ने जोर देकर कहा कि बहुत सारी सूचनाएं शिक्षा नहीं है, छात्रों को डेटा बैंक नहीं है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य एक अच्छा इंसान बनाना है, यह हमारे दैनिक जीवन में मूल्य शिक्षा, जीवन कौशल, अनुभवात्मक शिक्षा और शारीरिक फिटनेस को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बोझ को कम करने का विचार छात्रों को विभिन्न विषयों के बुनियादी सिद्धांतों को सीखना है। हमने NCERT से मौजूदा पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करने और तय किया है कि इसके साथ क्या किया जा सकता है और क्या रखा जाना चाहिए।